हेलो डी स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं सो व्हाट इज ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंडर हम प्रॉपर स्टडी करते हैं लाइट का लाइट कौन कौन से फिनोमेना दिखाती है और इमेज कैसे बनती है मिरर क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में तो so अगर डेफिनेशन की बात करें इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब कंप्लीट स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स या फिर दूसरा नाम है इसका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स अब बात करें अगर हम रे ऑप्टिक्स की रे ऑप्टिक्स क्या है देखिए चैप्टर नंबर ट्वेल्थ में हम डोल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे जिसमें आ, आपको पढ़ने को मिलेगा कि लाइट जो होती है ना वो दो नेचर में होती है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ठीक है जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं लाइट की तो उस टाइम हम बोल रहे हैं रे ऑप्टिक्स ठीक है मतलब अगर आप लाइट को पार्टिकल नेचर मान के चलें जो फिनोमेना वो पार्टिकल नेचर में दिखाती है वो पूरा स्टडी किस में आता है रे ऑप्टिक्स में आता है ठीक है जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन भी है इट कंसर्न इट्सैल्फ विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड इज बेस्ड ऑन किन कि चीज़ों पर बेस्ड होगा ये द रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इस पर बेस्ड होगा एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट ठीक है रिफ्लेक्शन और रिफ्क्शन के जो लॉज रहेंगे वो भी रे ऑप्टिक्स के अंडर ही आएंगे तो पहले हम यही वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के दो चैप्टर है अपने ट्वेल्थ फिजिक्स में जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स से रे ऑप्टिक्स है और सेकेंड है वे ऑप्टिक्स ठीक है ना अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की या फिर दूसरा नाम क्या है इसका फिजिकल ऑप्टिक्स तो वेव ऑप्टिक्स में अगर आप लाइट को वेव नेचर मान रहे हो ठीक है ई एम वेव मान रहे हो तो सो जितने फिनोमिना वेव दिखाती है लाइट भी उतने ही फिनोमिना दिखाएगी उन सभी का स्टडी आएगा वेव ऑप्टिक्स में ठीक है जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है इट कंसर्नस इट्सैल्फ विद द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट ठीक है अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तो फर्दर चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इनको पोलराइजेशन नहीं है हमारे सिलेबस में अब तो पोलराइजेशन नहीं पढ़ेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो है बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे डीपली पढ़ेंगे ठीक है अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट जब लाइट रे या फिर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या किसी इंटरफेरेंस पर दो मीडियम के इंटरफेरेंस पर इंसिडेंट करती है तो हमें क्या देखने को मिलता है सपोज करो अपने पास है एक ग्लास स्लैब ठीक है ये कुछ इस तरीके से एक ग्लास स्लैब है अपने पास ओके और अगर यहाँ पर हम एक लाइट रे इंसिडेंट कराएं कुछ ऐसे तो हमें क्या देखने को मिलता है इस लाइट रे या लाइट एनर्जी का कुछ हिस्सा तो यहाँ से वापस अगर आप इसको मीडियम वन मान रहे हो और इसको मान रहे हो मीडियम सेकेंड मीडियम वन में ही वापस आ जाता है इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसका कुछ हिस्सा मीडियम नंबर सेकेंड में एंटर कर जाता है ठीक है और ये अगर ये डेंस है मीडियम हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन में बहुत अच्छे से अभी तो बस मैं ये बता देता हूँ जो हिस्सा आगे ट्रैवल कर गया इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक है क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कुछ हिस्सा इसका मीडियम में ही एब्जॉर्ब हो जाता है ठीक है इस मीडियम में क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एबजॉर्बशन ऑफ लाइट ठीक है तो तीन यहाँ पर फिनोमिना देखने को मिलते हैं जिसमें पहला मैंने बताया आपको अगर मीडियम में वापस लौट आती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन अगर आगे ट्रैवल कर जाती है तो रिफ्रैक्शन और अगर लाइट एनर्जी स्टोर हो जाती है या फिर एबजॉर्ब हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं एब्जॉपशन ऑफ लाइट तो ये बिहेवियर लाइट का देखने को मिलता है जब हम लाइट की स्टडी करते हैं ठीक है इंट्रोडक्शन वीडियो में आज बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स बहुत डीपली हम पढ़ेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू